हेलो दोस्तों, अभी अभी जिस वीडियो को आप लोगों ने मोबाइल स्क्रीन पर देखे हो और इस तरह के वीडियो आप भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए यह वीडियो किस तरह से एडिटिंग किया गया मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे ताकि आपको पूरी जानकारी हो। तो सबसे पहले मैंने कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन किए, यहाँ पर नया प्रोजेक्ट प्लस वाले आइकन को प्रेस करते हैं। 16.9 रेशो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। सबसे पहले आप अपने मोबाइल से कुछ इस तरह से वीडियो आप शूट कर ले, जैसे कि मैंने किया। मीडिया में कैमरा में जो वीडियो मैंने शूट किया वीडियो को लेते हैं। ये वीडियो मैंने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ले लिए। अभी हम देखें हम लोग वीडियो को जो शूट किए थे, इस वीडियो को देख लेते हैं पहले किस तरह से शूट किए थे। आप लोग भी इसी तरह से वीडियो को शूट कर ले ताकि एडिटिंग करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरह से मैंने शूटिंग किया था। पहला, ये दूसरा, पहला किरदार हो गया, दूसरा किरदार यहाँ पर हो रहा है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखें तो ही आपको सीखने को मिलेगा। अगर इस एक्सेप्ट करके अगर चले जाते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं होगा, इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। ये दूसरा हो गया, अब देखिए तीसरा, तीसरा यहाँ पर तीसरा किरदार का अभिनय कर रहे हैं हम। इसी तरह से तीनों ये शूट कर लिए। ये शूट करने के बाद अब इस वीडियो को तीन पार्ट दिखाए थे, इसलिए तीन पार्ट इसको हम ये करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम लोग निकाल देते हैं। ये देखिए हम लोग हम खराब हैं। ये देखिए स्टार्ट करने के पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को पहले मैं कैंची से ट्रिम टू लेफ्ट इसको करके आगे से थोड़ा वीडियो को छोटा कर देते हैं। ये हो गया। अब देखिए पहला पार्ट जितना आपका, पहला पार्ट में जितना आपको दिखाने वाला है उतना पार्ट को ले लेते हैं। ये हो गया यहाँ तक का। यहाँ पहले वीडियो हम लोग कट कर देते हैं। पहला पार्ट यहाँ पे इसको दो भागों में भाग कर देते हैं। करने के बाद दूसरा पार्ट को हम लोग यहाँ डुप्लीकेट एस लेयर करते हैं। डुप्लीकेट लेयर एस लेयर को हम लोग पहला मीडिया वीडियो को बराबर लेकर आ गए। ये आ गए, देखिए अब दूसरा वीडियो को क्लिक करने बाद कैंची के बगल वाले जो बीच में जो ऑप्शन है उसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए एक है फुल स्क्रीन, उसके बाद दूसरा है ऊपर साधा, दूसरा है नीचे साधा, तीसरा है बगल साधा, जिसको हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए इस पार्ट को हम लोग क्लिक कर लिए, फिर वीडियो को यहाँ आने के पहले जो कुछ पार्ट है इस पार्ट को हम लोग थोड़ा कट कर लेंगे। जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट के पहले जो है इस कुछ इसको हम लोग थोड़ा हटा देते हैं, कट कर देते हैं। एक कट कर दिए, इसको पूरा खिसका दिए।
अब देखिए इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो पेज आ ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर वीडियो दो पार्ट हो गए। तो इस तरह से इसको थोड़ा कट करके ये कर दिए। इसी तरह से आप देखिए तीसरा किरदार जहाँ से शुरू होता है उसके पहले हम कट कर देंगे। ये देखिए तीसरा किरदार यहाँ पर, ये देखिए तीसरा किरदार शुरू करने के पहले वाला भाग को हम लोग हटा दिए। फिर इस पार्ट को डुप्लीकेट लेयर, इस लेयर को फिर हम खिसका कर शुरुआत में लेके चले गए। यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम लोग फिर से पहला वीडियो में हम लोग राइट टैप करके तो दूसरे में लेफ्ट का यह करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको क्लिक कर दिए, ऐसे क्या हुआ मेरा यहाँ पर वीडियो। इस तरह से हम लोग ऊपर वाला पार्ट को डिलीट कर देते हैं, इस वीडियो का जो पार्ट है उसको कैंची से कट कर दिए। अब देखिए हमारा वीडियो इस तरह से तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को एडिट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मैंने आप लोगों को इस ट्यूटोरियल को बताने की या समझाने की कोशिश की। आई होप आपको मेरा यह ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग दो बार तीन बार कर इस वीडियो को बारी बारी से रिव्यू करके देख सकते हैं, तो आपको इस वीडियो एडिटिंग समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह से दूसरा वीडियो आप लोगों को दिखाने के मेरे कोशिश रहेगा। और आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।